नई दिल्ली से कटरा की तरफ जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए किस तरीके से अपने जबरदस्त सफर पर निकल चुकी है। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस एक बड़ा तोहफा है। अब ये ट्रेन एक ऐसी जगह से गुजर रही है जिसको हम कह सकते हैं कि देश के लिए ऐतिहासिक जगह है। वो जगह है एक ऐसी जगह जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र। अब ये ट्रेन कुरुक्षेत्र स्टेशन की तरफ चल रही है, अभी कुरुक्षेत्र स्टेशन पहुंचेगी। और कुरुक्षेत्र का देश में अलग महत्व है, पूरे देश में अलग महत्व इसलिए है क्योंकि कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल पहुंचते हैं। महाभारत में कुरुक्षेत्र का एक विशेष स्थान रहा। कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह थी जहां पर कहा जाता है कि सरस्वती नदी यहीं से होकर गुजरती है और अपने प्रभास क्षेत्र से या द्वारिका क्षेत्र से भगवान श्री कृष्ण सरस्वती नदी के जरिए ही कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, नेविगेशन के जरिए यानी नाव के जरिए यहां तक पहुंचे थे। ये देखिए कुरुक्षेत्र स्टेशन, ऐतिहासिक और पौराणिक जगह। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस कुतूहल बनी हुई है, लोगों के लिए एक आश्चर्य की बात बनी हुई है, लोग उसे देखना चाहते हैं हर जगह पर। अब देखिए किस तरीके से सरस्वती नदी जो अब विलुप्त हो चुकी है उसके रेमिनेंट्स हैं, वो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि देश में मौजूद हैं। और ये देखिए कुरुक्षेत्र से होकर गुजरती है सरस्वती नदी, अब इसके ये देखिए उसी पुल से निकल रहे हैं। कुरुक्षेत्र में जो सरस्वती नदी थी उसके अस्तित्व को वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि हजारों साल पहले ये नदी अस्तित्व में हुआ करती थी। I'm 15 minutes.